हमारी तरफ से मैं आज उनको एक पैगाम देना चाहता हूं कि ये ना करना, ये आप ना करना, इस काम ने कभी आपको माफ नहीं करना। आप जितना मर्जी से हमारे से हुकूमत ने अच्छा नहीं किया, देखे जी उन्होंने मेरे काम नहीं किए, देखे जी वो महंगाई भी रोकी गई। आपके पास जो रास्ता था वो एक ही है, जमहूरियत में एक रास्ता है, रिजाइन करो। अगर आपको हुकूमत भी पसंद आई तो रिजाइन करो। लेकिन 25 करोड़ रुपए सामने रख के और कहना कि जी तब आपका जमीन जाग जाए, वो कौम नहीं मानने लगी। शफीक वते नजर हम दे शफीक यार छोड़ दो शफीक। जब उस जमीन फरोश को प्रेस करेंगे तो आपकी शक्ल आ जाएगी सामने। और आज मैं अपने नून लीग और पीपल्स पार्टी के एमएनए को भी आप पैगाम देना चाहता हूँ। मुझे ये बताए कि आपने जो सारा वक्त कहा था कि नून लीग वाले के जिम्मेदारी का पेट भर के चोरी का पैसा निकालना था आपने, तो जब से वो इकट्ठे हुए हैं चरी ब्लॉसम और जरदारी, जब से इकट्ठे हुए हैं, जब से वो इकट्ठे हुए हैं तो इनको भूल गए, इनको भूल गए कि जिम्मेदारी छोड़ दो। इसका मतलब कि वो सिर्फ चोर बना कब तक है, जब तक आपके साथ नहीं है। इसका मतलब चोरी पूरी नहीं है, इसका मतलब चोरी पूरी चीज नहीं है। यानी कोई भी इसलिए मैं पाकिस्तानी, इसलिए मैंने रहमत आलमीन अथॉरिटी बनाई है। मैं अपने बच्चों को बताना चाहता हूँ कि नबी की सीजन क्या है, नबी का पैगाम क्या था। दुनिया का सबसे अजीम इंसान बना, दुनिया का सबसे अजीम लीडर वो बने, उनका रास्ता क्या था। इसलिए हमने रहमत आलमीन अथॉरिटी बनाई है कि पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता चल जाए, अच्छे बुरे की तबीज उसमें आ जाए, वो हक के ऊपर खड़ा हो, वो बदी के खिलाफ खड़ा हो, वो ये ना कहे कि चोरी सिर्फ बुरी तब है जब मेरी ऑपोजिशन चोरी करती है, वो मेरे साथ मिल जाए तो चोरी ठीक है। और पीपल्स पार्टी वाले आप बताओ, 30 साल आप अपने लोगों को बताया कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से बड़े डाकू कोई नहीं, तो आप इकट्ठे हो गए और बनावल जो तुम पॉलिटिक्स कर रहे हो नाना के ऊपर, ये तो नाना के कातिल है जिनके साथ बैठ गए हो। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारे लोग वापस नहीं आएंगे सिर्फ नून लीग के और पीपल्स पार्टी के एमएलए, जिनको पता है कि कितनी बड़ी साजिश हो रही है मुल्क के खिलाफ, उनके भी जमीर जाग जाएंगे। अल्लाह कहते हैं कुरान में, मैं जब चाहूं किसी को सीधे रास्ते पर लगा सकता हूं, कोई भी सीधे रास्ते पर लग सकता है। तो मैं इन सारे पार्टीज के नून लीग और पीपल्स पार्टी और फजल रहमान, जैसे फजल रहमान मैंने तुम्हारी समझ नहीं आई, तो यार यूनाइटेड नेशन में जाके अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़ा हो और उसकी शान में जो गुस्ताखी होती है, किसको अल्लाह वो इतना बड़ा इनाम बख्शता है
वो जाके यूनाइटेड नेशंस में इस्लामोफोबिया के खिलाफ रेजोल्यूशन पास करवाता है और 15 मार्च को इस्लामोफोबिया का दिन भी मनाया जाता है। फजल रहमान आपको तो अल्लाह नहीं है ये इज्जत बख्शी और उसकी वजह स्पीकर उसकी वजह है कि आपकी नीयत अच्छी रही है, आप इस्लाम को इस्तेमाल करते हैं आजादी मुफादात के लिए, इसलिए अल्लाह ने आपको इज्जत नहीं देता। अल्लाह नीयतों का राज जानता है, अल्लाह जानता है दिलों के राज। फजलमान जितने मर्जी इस्लाम की बात करो, अल्लाह ने आपको आज तक कभी वो एहसास नहीं दिया कि आपने दुनिया में कुछ भी इस्लाम के लिए किया हो। मेरी तरह के आदमी को, गुनाहगार आदमी को अल्लाह ने वो एहसास दिया। मैं अल्लाह तेरा लाख 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 शुक्र अदा करता हूँ। अच्छा पाकिस्तानियों, मैं अपनी तकलीफ खत्म कर रहा हूँ, मुझे पता आप जाना नहीं चाहते, मुझे पता है, लेकिन मैं तकरीर सिर्फ एक चीज में खत्म करता हूं। आपने सब में मेरे से एक वादा करना, एक वादा करना कि आप मेरी कौम कभी आप कभी इजाजत नहीं देंगे किसी पाकिस्तानी हुक्मरान को कि मेरी कौम को किसी के सामने झुकने दो। हाथ उठा के बताए, कभी इजाजत ना देना, कभी आपने इजाजत नहीं देनी किसी हुक्मरान को वो किया जो उन्होंने हमारे पाकिस्तान में अब अमेरिका की जंग लड़के किया, उसमें शिरकत करके 80,000 पाकिस्तानियों की कुर्बानी दिलवाई, हमारे कबाली इलाके को बर्बाद करवा दिया, कबाली इलाके के लोगों के जो मुश्किल का सामना करना पड़ा, ज़कात लेने वाले ज़कात लेने वाले बन गए, 35 लाख लोगों को नकल मकानी करवाई। कभी मेरी कौम किसी हुक्मरान को आपने इजाजत नहीं दे दी कि हमारे मुल्क के मफादात के खिलाफ, हमारे लोगों के हकूक के खिलाफ कोई भी हुक्मरान जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। Oh, nggak pasti.